हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर ऐसे करने वाले हैं आजकल ऐसे के बहुत सारे कंपटीशन भी हो रहे हैं तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इस ऐसे में बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं तो चलिए आज के हमारे ऐसे का टॉपिक है विजिलेंट इंडिया प्रॉस्पीरियस इंडिया सतर्क भारत समृद्ध भारत सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन देंगे हमारे भारत का इंडिया इज़ अ ब्यूटिफुल कंट्री विच इज़ नोन फॉर इट्स डिफरेंट कल्चर एंड ट्रेडिशन इट इज़ रिप्रेजेंट यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी मतलब विविधता में एकता अक्रॉस द वर्ल्ड इन एंशियन टाइम इंडिया इज फेमस एज द गोल्डन बर्ड सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था बट आफ्टर द ब्रिटिशर्स रूल्स एंड देयर इल पॉलिसीज हैड पुसडाउन इंडिया जो ब्रिटिश थी उनकी इल पॉलिस की वजह से इंडिया पुसडाउन हो गया

मतलब जो अवेयरनेस है नॉलेजिबल है उनके जो नॉलेजिबल पीपल हैं ऑफ़ इंडिया इंडिया के उनसे मतलब है विजिलेंट इंडिया का मतलब है जो भारत के जागरूक नागरिक हैं नॉलेजिबल नागरिक हैं उनकी बात की जा रही है इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हुए बताया गया है कि म्यूजिशियन परफॉर्म बैटर वैन दे नो द ऑडियंस इज नॉलेजिबल एंड एप्रीशिएटिव जब कोई परफॉर्मर होता है वो तभी अच्छा परफॉर्म करता है जब उसे पता होता है कि उसकी ऑडियंस नॉलेजिबल है और एप्रिसिएटिव है मतलब अगर कोई परफॉर्म परफॉर्म कर सपोज एक म्यूजिशियन है परफॉर्मेंस दे रहा है जब उसे ये चीज़ पता है कि भाई जो ऑडियंस है उन्हें कुछ नॉलेज ही नहीं है तो वो तो कैसा भी परफॉर्म कर देगा ना बट अगर उसे पता हो कि जो नॉलेज वहाँ पर ऑडियंस बैठी है वो नॉलेजिबल है वो जानती है इस म्यूज़िक के बारे में तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा अब विजिलेंट पीपल किस तरह डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में हमारे इंडिया के इनका रोल रहता है वो कैसे रहता है विजिलेंट पीपल आर आ मस्ट फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ आ डेमोक्रेसी एज विजिलेंस क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द राइट्स ऑफ द सिटीजन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट अफेक्ट डेली लाइफ अवेयरनेस लीड्स टू डिस्कशन एंड डिबेट ऑन द इशू दैट अराइज आउट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज जो uh, जो हमारे अवेयर पीपल्स होते हैं जो हमारे अवेयर सिटीजनस होते हैं जब उन्हें पता हो कि उनके अधिकार क्या हैं जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है उनके बारे में पता होगा तभी वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे क्योंकि भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है भारत के बारे में क्या कहा जाता है अबाउट गवर्नमेंट ऑफ द सिटीज़न बाय द सिटीज़न एंड फॉर द सिटीज़न भारत में जो है नागरिकों का नागरिकों पर नागरिकों द्वारा ही शासन होता है सिटीज़न कैन फोर्स द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट न्यू पॉलिसीज एंड मोडिफाई द एग्जिस्टिंग वंस टू मेक द प्रोस्पीरियस कंट्री जो सिटीजन्स होंगे अगर वो अवेयर होंगे तो वो गवर्नमेंट को फोर्स कर सकते हैं कि आप नई पॉलिसीज लाइए और जो पुरानी पॉलिसीज है उसमें जो ड्रॉबैक हैं उन्हें आप मॉडिफाई कीजिए इफ विजिलट पीपल सी पॉलिटिशियन आप बताया गया पॉलिटिशन में कैसे कहते हैं इफ़ विजिल पीपल सी पॉलिटिशियंस डिफेक्ट फ्रॉम पार्टीज मेकिंग फोल्स प्रोमाइसिस एंड मैनिपुलेटिंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दिस विजिलेंट सिटीजन कैन चैलेंज दिस बाई टेकिंग वेरियस पब्लिक प्लेटफॉर्म एंड मेक इंडिया टू प्रॉस्पीरियस बाय देयर विजिलेंस कब जब हमें हमारे अधिकारों के बारे में पता होगा हमें अवेयरनेस होगी कि हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है तभी अब कोई राजनेता अगर हमें मैनिपुलेट कर रहा है तो अगर हम इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस होगी हमें ज्ञान होगा तभी तो हम कुछ एक्शन कुछ राइट right एक्शन ले सकते हैं और अपने भारत को समृद्ध भारत बना सकते हैं विजिलेंट सिटीजन हैव हाँ द कैपेबिलिटी टू तो चेक रोंग पॉलिसीज एंड करप्शन प्रोसिस्टिंग जो करप्शन है वो तो मेजर कॉज है अमंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड लीडर्स द करप एक्शन ड्यू टू देयर अवेयरनेस जब उनके अंदर अवेयरनेस होगी अगर कहीं पर भी किसी भी सोसाइटी में कुछ गलत पॉलिसीज आई है कहीं करप्शन हो रहा है तो हम उसके खिलाफ आवाज़ कब उठा सकते जब हमें पता तो हो हमारे अधिकार क्या हैं जब हमें, हमें हमारे अधिकारों का पता ही नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं विजिलेंस सिटीजन अस्पायर टू क्रिएट अ बेटर सोसाइटी बाय डिबेटिंग द एक्शन ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव सो so, द कंक्लूजन क्या निकाला कि विजिलेंट सिटीज़न ही विजिलेंट इंडिया बनाते हैं और विजिलेंट इंडिया से ही प्रॉस्पीरियस इंडिया बनता है तो इसका जो है इसमें है क्या देखिए हमारी सरकार हमारे लिए बहुत सारी नीतियाँ बहुत सारी पॉलिसीज लेकर आती है पर हमें उनके बारे में पता ही नहीं होता तो हम बेनिफिट ही नहीं ले पाते हम बेनिफिट नहीं ले पाते तो हमारा विकास नहीं हो पाता है हम वहीं के वहीं रुक जाते हैं हम वहीं के वहीं रुक जाते हैं तो हमारा भारत भी वहीं का वहीं रुका हुआ है अगर आप चाहते हो कि कोई पेड़ बहुत फलदायी हो बहुत अच्छा हरा भरा हो तो क्या उसकी रूट को हमें फोकस करना रहेगा उसकी रूट को हमें अच्छे से केयर करना रहेगा रूट मतलब भारत के नागरिक या किसी भी देश के नागरिक और पेड़ मतलब वो देश ठीक है तो उसी तरह अगर भारत को समृद्ध बनाना है तो भारत को सबसे पहले वहाँ के नागरिकों को सतर्क बनाना होगा उनमें अवेयरनेस लानी होगी उनमें जागरूकता लानी होगी उन्हें नॉलेजिबल बनाना होगा कि उनके चारों ओर हो क्या रहा है जब उन्हें सब चीज़ों का पता होगा तो वो करप्शन को भी फेस कर पाएंगे उसके अगेंस्ट आवाज़ उठा पाएंगे पॉलिटिशियन अगर कुछ गलत करते तो उनके खिलाफ आवाज़ उठा उठा पाएंगे किसी भी सेक्टर में कुछ भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठा पाएंगे और जो गवर्नमेंट अगर पॉलिसीज लेकर आते हैं उसमें उन्हें कुछ ड्रॉबैक लगता है कुछ लगता है कि इसके इसमें चीज़ सही नहीं है तो वो उस चीज़ को फोर्स कर पाए कि आप नई पॉलिसीज लाई इसमें ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कीजिए तो देखिए विजिलेंट इंडिया बनने से किस तरह हमारे देश का विकास हो सकता है तो आज के ऐसे में बस इतना ही आपको ये ऐसे कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको ये ऐसे अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू वेरी मच अगले वीडियो में आपके लिए इसके कुछ जो प्रोव हैं जो स्लोगन्स है वो लेकर के आऊंगी ठीक है तो थैंक यू